जाइए आप आ जाइए। इस बार मैं आया हूँ चिड़ापुंजी के बिहड़ों में। यहाँ ना आदम है ना आदम जात। अगर यहाँ कहीं भटक गए तो मालिक ही बचा सकता है, पर मैं आज आपको जान बचाने के ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके घंटा काम नहीं आने वाले, इसलिए मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए। तो मेरा नाम है केयर गिल और आप देख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। अरे मुझे कोई अंदर खींच रहा है। सर ये तो अजगर है, ये तो आपको पूरा खींच कर निकल जाएगा। अरे मेरे बेटे मुझे बचा लो। आप तो चेयरगिल हैं, आपको क्या डर, आप तो अजगर खींच कर खा जाओ। हाँ हाँ अभी मैं इस एनाकोंडो को खींच कर खा जाऊंगा। इसकी पकड़ से इसकी ढीठ पर का अंदाजा मिलता है। जब मैं मिलिट्री में हुआ करता था तो वहाँ मुझे बहुत मारते थे। अरे यहाँ मुझे कुछ मिला है। अरे वहाँ नहीं, यहाँ। इसकी पत्ती खाने से अमर होने की शक्तियाँ मिलती है, लेकिन इसे खाने से मरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। जब मैं मिलिट्री बेस कैंप में हुआ करता था तब मैं बहुत गोरा था, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं। पहले मेरे रिश्ते इंग्लैंड से आते थे, लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ से आते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो यहाँ पर हाथी की पत्ती की निशान है, जरा पास आइए। अरे मैया का देख लो, जिंदा हाथी। यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा, नहीं तो मार डालूंगा। जब मैं मिलिट्री बेस कैंप में नहीं हुआ करता था तब मैं भट्ठे पे काम करता था। मुझे जंगल की मिट्टी से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। सर आपको जुखाम है, ये मिट्टी नहीं ये टट्टी है। अरे मैया यहाँ देखिए एक खटारा काफी बड़ा है, इसे पकड़ने के लिए मुझे दिन बजाना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ से बचने के लिए मुझे अपने दोस्त को कॉल लगाना पड़ेगा।